प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सबका भला और एकता और हमारे देश में जो भी तरह तरह के आर्थिक, आंतरिक, शैक्षिक, शैक्षणिक बदलाव या परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, यही विश्वास है। सबका साथ सबका विकास की योजनाओं पर सरकार तेजी से काम करती जा रही है। सबका साथ सबका विकास की योजना के अंतर्गत हमारे देश के कुछ ऐसे नगर आते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह नगर या शहर उन्नति नहीं कर पाते हैं। सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत सरकार की उन सभी नगरों और शहरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तरह तरह की योजनाओं की सूची तैयार की जाती है, जिससे कि उन सभी नगरों और नागरिकों की स्थिति में सुधार ला सके। सबका साथ सबका विकास साधन के प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगी। जिम्मेदार नागरिक, देश का जिम्मेदार नागरिक अपनी पूरी योग्यता और कर्तव्य के साथ सभी नियमों का पालन करता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी प्रशासन। एक अच्छा प्रशासन देश को विकास की ओर लेकर जाता है। यदि प्रशासन अच्छा होगा तो देश को ही देश के विकास की ओर लेकर जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को सबका साथ सबका विकास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगी। सबसे पहले विद्यालय। विकास की दृष्टि से देखें तो विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है, जो देश के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। समय पर टैक्स देना, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो समय पर अपनी टैक्स की जिम्मेदारी के साथ सरकार को चुकाए। देश के विकास के लिए आप अपना टैक्स समय पर भरे, जिससे सरकार टैक्स द्वारा देश के विकास करने में सफल रहे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगी, स्वच्छ भारत अभियान। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छता के सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे। मतदान का अधिकार। मतदान देना हर नागरिक का फर्ज होता है। हम अपने इस अधिकार को यदि सही तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तो यह हमारे देश की उन्नति और विकास के लिए जरा भी उचित नहीं होगा। महिलाओं का योगदान इस के बारे में मैं बताना चाहूंगी। जैसा कि महिलाओं का अधिकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय पर बल देना चाहिए। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जनसंख्या। देश के विकास को रोकने में जनसंख्या का एक अहम किरदार है। यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो बढ़ती जनसंख्या पर हमें रोक लगाना चाहिए। वैसे ही और भी कई बहुत सारे तत्व है जो हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने में सहायक है, जैसे कि बेरोजगारों का प्रबंध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था करना, उज्ज्वल योजना के द्वारे बचत करना, उसी प्रकार मुद्रा योजना, यही सब जो तत्व है वो हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उसी के जैसे ही सबका साथ सबका विकास के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नारे बताना चाहूंगी जो हमारे देश की प्रगति के लिए सहायक रहेंगे। बस जाति पात ही नहीं है, यह है विचार, छोटा सबका विकास हो यही है दरका। हम एक है तो ही देश का विकास संभव है। एकता है एक ही विचार, जो है देश के विकास का आधार। सबकी प्रगति में ही है सबका विश्वास, एकता में ही है विश्वास। सबका एक ही नारा है, खंडित देश को अखंड बनाना है। धरती माता करे पुकार, एकता में ही है देश का उद्धार। युवा तुम करो विचार, एकता में ही है सुखद संसार। धरती ही स्वर्ग समान, भारत देश का यही अभिमान। ये इतना बोलकर मैं अपने जो विचार थे वह समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।